तो अब 9 बज चुके हैं और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज का इंतजार हो रहा था। तीसरे चरण की वोटिंग जारी है, 69 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और राजधानी लखनऊ समेत पूरी यादव बेल्ट में आज वोटिंग हो रही है। वोटर्स धीरे धीरे पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। तमाम VIP कैंडिडेट्स भी सुबह सुबह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। रामगोपाल यादव ने सैफई में वोट डाला। लखनऊ से SP उम्मीदवार अपर्णा यादव और BJP कैंडिडेट रीता जोशी ने लखनऊ में अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी लखनऊ में वोट डाला। हर आमो खास वोट डालने के लिए निकल रहा है। अगर अभी तक आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो आप भी घर से निकलिए और जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, एक तरह से हम वोटिंग परसेंटेज 2 घंटे में फिलहाल अलग अलग जगहों पर क्या वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच हरदोई में SP कैंडिडेट नितिन अग्रवाल ने वोटिंग की, उन्होंने जीत का भरोसा जताया है। अनुराग चड्ढा ने उनसे बातचीत की। इस वक्त हम हरदोई में हैं और हमारे साथ नितिन अग्रवाल हैं जो कि हरदोई की शहर सीट से प्रत्याशी हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरदोई का माहौल क्या है। हरदोई का माहौल समाजवादी पक्ष पार्टी के बिल्कुल पक्ष में चल रहा है और मैं तो कह सकता हूँ कि पूरा चुनाव हम लोग ने देखा है। हरदोई की आठों सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है। जी, अगर हम हरदोई के गणित पर, सियासी गणित पर बात करें आपसे, तो कभी यहाँ पर बसपा का गढ़ रहा और अगर हम 2012 की बात करें तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर जीती थी। जो आपके पिता हैं राज्यसभा सांसद भी हैं और हरदोई में कहा जाता है कि उनकी बहुत अच्छी पैठ भी है, सभी जो जनता से जुड़े लोग हैं उनसे उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो क्या लगता है कि इस बार किस तरह का मिरेकल हरिद्वार में, इसमें हरदोई में होने जा रहा है? नहीं, देखिए, हरदोई के लोगों ने हम पे हमेशा विश्वास किया और ये आज का नहीं है, 5 दशक से ज्यादा समय हो गया है हरदोई की जनता ने विश्वास किया और हम लोगों ने हरदोई की जनता के विश्वास को कायम भी रखा है, भरोसे को कायम रखा है। और इस चुनाव में आप देख सकते हैं कि जैसे हम पिताजी ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में प्रचार किया, सभी 8 सीटों पर वो प्रचार करने गए और जैसा कि अखिलेश जी के 5 सालों का काम भी, काम को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जो विकास हुआ, जो योजनाएं चली हैं, हम तो देख रहे हैं कि हम हरदोई की बात नहीं करते, बाकी हम उत्तर पूरे जो पहले 2 फेजेस का चरण जो हुए, दो चरण जो हम लोग का खत्म होके आए हैं, आप रुझान अगर देखें तो समाजवादी पार्टी बहुत भारी मतों से उन चरणों में जीत के आ रही है। जी, आपकी पत्नी गरिमा भी आपके साथ हैं। गरिमा जी, आपने भी अपना वोट कास्ट किया, आपको क्या लगता है कि हरदोई में कौन कौन सी ऐसी बहुत बड़ी समस्या थी जिनका नितिन जी ने और जो इनके फादर नरेश जी, उन्होंने हल किया? उन्होंने औरतों के लिए बहुत कुछ करा है और ट्रॉमा सेंटर भी खोला है यहाँ पे और लेडीज़ के लिए भी बहुत सी अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह लगवाई है, तो हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए बहुत कुछ उन्होंने किया है हरदोई में। तो आपको लगता है कि जो काम किए नितिन जी ने, इनके पिताजी ने और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, तो वो काम बोलेगा हरदोई में? जरूर बोलेगा। जी जी, तो कुल मिलाकर पूरी उम्मीद है नितिन जी और उनकी वाइफ को कि जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काम है वो हरदोई में जरूर बोलेगा। जहां तक नरेश अग्रवाल की बात है तो उनका इस एरिया में काफी दबदबा है, काफी काम भी कराए हैं, तो काम से जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हरदोई से कैमरामैन पीयूष के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। और वोटिंग परसेंटेज अब आने लगे हैं सामने। सीतापुर में 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है, 2 घंटे बीत चुके हैं और 2 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज सीतापुर में देखने को मिल रहा है वो 12% है। फिलहाल बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, बहिष्कार किया गया है। विकास न होने से नाराज मतदाताओं ने सीतापुर के हर गांव के बूथ संख्या 132 पर मतदान का बहिष्कार किया है। राजकुमार है ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजकुमार, इतनी नाराजगी कि वोट नहीं देंगे ये तय कर लिया? ऐसा बिल्कुल, यहाँ पर हरगांव इलाके के बूथ नंबर 132 पर मतदाताओं ने बहिष्कार कर दिया है पूरी तरीके से। कई घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी तक वोटिंग नहीं चालू हो पाई है। इन लोगों का सीधा कहना है कि विकास नहीं हुआ तो इस बार ये अपना मतदान नहीं करेंगे। श्वेता, चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास नहीं होने से नाराज है और इसलिए तय कर लिया है कि वोट नहीं देंगे, बहिष्कार कर दिया गया हर गांव के बूथ संख्या 132 पर मतदान का।
फिलहाल आपको बता दें जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है वो 9 बजे तक सीतापुर में 11% मतदान हुआ है और एक जगह पर यहां पर नाराजगी के चलते लोग वोट भी कास्ट नहीं कर रहे हैं। हरदोई का रुख करती हूं, अनुराग चड्ढा हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, अभी आपने नितिन अग्रवाल से बातचीत भी की, दावे हर किसी के पूरे हैं, ये बात कही जा रही है कि नहीं विकास होना चाहिए, हम तो विकास करेंगे, 300 सीटें आएंगी, फिर 5 साल हो गए, चुनाव हो रहे हैं, आज मताधिकार का इस्तेमाल हो रहा है, क्या कहें कि जुबानी खर्च ज्यादा होता रहा हमेशा, लोगों की किस्मत को तय करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, लोग क्या मानते हैं? जब बिल्कुल श्वेता, हरदोई की जनता यही बात कहती है कि यहाँ पर दावे वादे बहुत किए गए, जब उन्होंने बसपा को यहाँ पर मैंडेट दिया, फिर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मैंडेट दिया सबसे ज्यादा सीटें जीतकर, लेकिन जो हरदोई के लिए लोग इन नेताओं को करना चाहिए था वो सब उन्होंने नहीं किया। लेकिन इस बार हरदोई की जनता ऐसे प्रत्याशी को चुनेगी जो कहीं ना कहीं हरदोई के डेवलपमेंट पर ध्यान दे, जो यहाँ पर बेरोजगारी है, जो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का विकास नहीं हुआ, ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से कहीं ना कहीं जिताने की कोशिश करेंगे। शायद यही वजह है कि इस बार जो नरेश अग्रवाल है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और हरदोई में उनका काफी दबदबा है, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है अपने बेटे नितिन अग्रवाल की सीट को लेकर, क्योंकि इस बार जो चुनाव है थोड़ा सा फंसा हुआ है। इसके अलावा अपने बेटे को तो जिताने की चिंता उनके ऊपर है ही, साथ में जो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है और जो प्रोफेसर रामगोपाल है, उन्होंने हरदोई की जो बाकी विधानसभा सीटें हैं उनको भी जिताने का दबाव कहीं ना कहीं नरेश अग्रवाल के ऊपर बनाया है, क्योंकि अगर हम यहाँ हरदोई की अगर हम बात करें तो हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं और 6 फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है। तो नरेश अग्रवाल के लिए चुनौती ये है कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ यहाँ पर है उसको पूरी तरह से बचाए, क्योंकि अगर यहाँ पर हरदोई की जो 2012 में प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का था उसको अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से दोहराती है तो निश्चित तौर पर नरेश अग्रवाल का कद समाजवादी पार्टी में और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से श्वेता हम देखें जब समाजवादी पार्टी में झगड़ा हुआ था, परिवार में बिल्कुल अनबन चल रही थी, तो उस वक्त नरेश अग्रवाल, और इसीलिए इस तरह से अनुराग ये मान के हम मान के चल ही रहे हैं लोग कि क्या ये जो बेल्ट है इस पर असर पड़ सकता है इन तमाम चीजों का। आपसे मैं दोबारा भी रुक करूंगी, तस्वीरें भी हम देखने की कोशिश करेंगे, फिलहाल इस वक्त सर्वेश का रुख कर लेती हूँ। सर्वेश, ना वहां पर डिंपल यादव पहुंची प्रचार करने, ना मुलायम सिंह यादव पहुंचे चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए, एक अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी कन्नौज में। आज जब एक तरह से मतदान हो रहा है तो किस तरह का वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ रहा है, लोग कितने उत्साहित हैं, क्योंकि वो जगह है जहां से डिंपल यादव सांसद है, समाजवादी पार्टी की सीट के तौर पर इसे देखा जाता है, ऐसे में लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए श्रोता, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अगर कन्नौज सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 12% मतदान हुआ है, अगर छिपरामऊ की बात करें तो वहाँ 13% मतदान हुआ है, और लेकिन तिरवा अगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे 9% मतदान हुआ है, कुल टोटल यहाँ पे 11% मतदान हुआ है। खबर एक ये भी है कि तिरवा विधानसभा से अभी मेरी डीएम से बात हो रही थी, डीएम ने बताया कि वहाँ पे 2 पूर्वा गांव के लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जिन्होंने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है, जिसकी वजह से वो वोट नहीं डालना है, और यही वजह है कि अब तक मतलब 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में वहाँ पर सिर्फ 16 लोगों ने वोट डाला है। एक स्थिति तो वहाँ की वो है। दूसरी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे किस तरह से, अगर जो शहर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे मतदान केंद्र पे आ रहे हैं और यहाँ पे लाइन लगी हुई है, मतलब इतनी लंबी लाइन महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की अगल बगल लगी हुई है, तो शहर में लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। रही बात यहाँ के वोटरों की, तो वो अब की बार कन्नौज को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज हैं। उनका ये मानना है कि जिनको वो वोट करते आ रहे थे यहाँ पर, वो अब की बार यहाँ प्रचार करने के लिए भी नहीं आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये विवाद बड़ा है, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये और भी मुश्किल क्यों हो गई यहाँ के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव के सबसे करीबी हैं नवाब सिंह, और नवाब सिंह ने कहीं ना कहीं टिकट मांगा था, उनको टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने जनता के बीच में ये कहा कि आखिर उनकी ऐसी कौन सी खता थी जिसकी वजह से उनको इग्नोर किया गया। उसके बाद तीनों विधानसभा के समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, धूल उड़ाती सड़कें, भीड़ों के इलाके, और ऐसे में विकास की उम्मीद लगाए बैठे लोग वोट कर रहे हैं। इस वक्त गौरव हमारे साथ हैं, गौरव कितना फीसदी मतदान हुआ है 2 घंटों में? जी आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग सुबह से ही भारी संख्या में मतदान के लिए निकल चुके हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो 9.8 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। जी श्वेता, चलिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो औरैया जहां पर 9% मतदान हुआ है, कुल मिला के 2 घंटों में हम देख रहे हैं जो एक स्पीड रही है पिछले 2 चरणों की, तीसरा चरण थोड़ा धीमा पड़ता नजर आ रहा है। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, तस्वीरें तो बड़ी दिलचस्प आप भेज रहे थे सुबह से, लोगों में एक उत्साह भी देखने को मिल रहा था, वोटिंग परसेंटेज क्या इस उत्साह को बढ़ा पाया?
मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। ब्रिजेश दोबारा रुक करूंगी। व्यक्ति की जगह अगर भारतीय जनता पार्टी में होती है तो मैं समझता हूँ ये समाज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो दिल से बात करते हैं, जो दिल तक पहुँचे, उनकी जरूरत बीजेपी को है। और रवि किशन जी के इस फैसले का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। किस तरह की भूमिका इनकी पार्टी में, माने जो अभी चुनाव है, क्या उसमें भी कैंपेन वगैरह करेंगे पार्टी के लिए? ये सब बिल्कुल पार्टी में आया हुआ व्यक्ति अगर उनको प्रचारक बनाया जाता है, स्टार प्रचारक, तो निश्चित रूप से अपनी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं, मैं मेरा विचार भी यहाँ से मिलता है और नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित है, जो इन दिनों जितना नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए चेंजेस ला रहे हैं। तो चलिए सर अनुराग का एक बार फिर से रुक करती हूँ। अनुराग, समीकरण तो हमने तमाम समझे हैं, लोगों में किस तरह से राजनीतिक जागरूकता है हरदोई में, ये भी हम आपके जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक तस्वीर भी दिखा दीजिए कि कैसे बढ़ चढ़ कर मतदान हो रहा है या स्पीड कम है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए श्रोता, स्पीड यहाँ पर बाबी बहुत कम है। अगर हरदोई की अगर हम बात करें तो हरदोई की जनता का ये मिजाज है कि जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है वैसे वैसे ही यहाँ पर जो लोग हैं अपने घरों से मतदान करने निकलते हैं। इस वक्त मैं आर्य जो कन्या डिग्री कॉलेज है वहां पर खड़ा हूँ। आप देख सकती हैं यहाँ पर श्वेता की लोगों की जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी हैं, लेकिन उतनी लाइनें अभी तक यहाँ पर नहीं लगी हैं जितनी लगनी चाहिए थी। अगर हम प्रशासनिक और पुलिस के लिहाज की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत पुलिस के बड़े अधिकारियों को यहाँ पर नजर नहीं आती। जो हरदोई की आम है अपने अपने घरों से लगातार वो वोट करने निकल रही है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की तस्वीर श्वेता हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर वृद्ध लोग हों या मुस्लिम समुदाय से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो हों, वो खूब मतदान में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अभी तक जो यूथ है वो अपने अपने घरों से नहीं निकल रहा है, महिलाएं और वृद्ध अपने अपने घरों से निकले हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सामने की जो लाइन लगी है वहां की तस्वीर दिखाए। यहाँ पर दरअसल कई पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन जो एक पोलिंग लाइन है वो यहाँ पर अभी नजर आती है। लेकिन जो हरदोई की जो जनता है उनसे अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी तो उनका यह कहना है कि यहां पर 10 बजे के बाद जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो यहां पर बहुत पड़ता है।